सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मैं तुहानूं अज दसांगा कि इंडो कनेडियन बस किवें बुक करते हैं। जे तुसीं पंजाब तो दिल्ली जाना होवे जां दिल्ली तो पंजाब होना होवे, अमृतसर जां जलंधर किते भी अपने शहर, तो तुसीं इंडो कनेडियन बस नूं किवें बुक कर सकते हो, आज मैं तुहानूं पूरा डिटेल दे विच दिखाऊंगा। सब तो पहलां तुसीं गूगल ते सर्च करनी है इंडो कनेडियन बस, फिर जो पहली वैबसाइट आ रही है इंडो कनेडियन ट्रांसपोर्ट ते क्लिक कर दिओ। फिर तुसी जे ते तुसी बाहरों टिकट करनी है फिर तो USD ते करोगे क्लिक, जे तुसी इत्थे इंडिया चो ते फिर INR ते क्लिक करोगे। सो ये डेट वगैरह अपना March 15 दी उत्ते क्लिक कर देना। फिर पंजाब तो दिल्ली, जे तुसीं उत्थों आ रहे हो दिल्ली तो पंजाब कर दिओ। सो पंजाब तो दिल्ली कर रहे हैं, तो अमृतसर तो मैं कर नहीं रहा क्योंकि अमृतसर तो मेन जाती नहीं इंडो कनेडियन, इतने ट्रैवल कार जाती है जा इनोवा कार जाती है, फिर तुहानू जलंधर लैके जाते हैं, फिर मेन जलंधर तो चलती है अगे। सो जलंधर मैं सिलेक्ट कर लगा। सर्च बस, ये थोड़े अगर सारा पोर्टल खुल जाएगा बसिस वगैरह का, किमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके किहोजी बसिस ने थोड़े अगर सारिया आ जाएगियाँ। स्लीपर बसिस ने, इंडो फर्स्ट ने, मर्सिडीज ने, तो अपनी टाइमिंग देख सकते हो। दो दो घंटे के गैप से हर एक बस जाती है, जिमें कि कोई 2 बजे चलती है तो अर्ली मॉर्निंग वो 11 बजे पहुँचा दें। सो जी तुम सूटेबल लगती है तो फ्लाइट के टाइमिंग के हिसाब ना तुम वो बुक कर लियो। अपनी फ्लाइट तो 4 घंटे पहला दी तुहाडी होनी चाहिए, मतलब तुम 4 घंटे पहला उत्थे पहुँचे होने चाहिए एयरपोर्ट। सो उस हिसाब ना अपनी सैटिंग देख लियो। अगर प्रॉपर होर डिटेल्स विच वेखनी है बसिस वगैरह किवें दियां ने किवें दियां, तो उत्ते फ्लीट आ रहा उस पर आप क्लिक करांगे, बसिस दिया प्रॉपर डिटेल निकल आएगी उतों, फ्लीट ते क्लिक करके। इतने प्रॉपर इंडो फर्स्ट क्लास ये रिक्लाइनर सीट्स होंदियां ये, प्रॉपर फीचर वगैरह दसे ने, मूवी वगैरह बोटल देंदे ने पानी की, सारे हैडसेट्स वगैरह, चार्जिंग पॉइंट आ, वाईफाई आ। सो इदा ही लग्जरी स्लीपर भी सेम इदा ही आ, तो अंदर भी अपनी सर्विस वगैरह इन्होंने दसिया हुई। तो ये जी तुम कंफर्टेबल लगती थानू तीन अपने हिसाब ना देख लियो। बस वगैरह बुक कर दें हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर ली एक, ये सीट सिलेक्ट करके फिर आप पैसेंजर की डिटेल्स वगैरह भरांगे। सब तो पहला आप अपना मोबाइल नंबर फिल करांगे, फिर ईमेल आईडी, फिर असी पासपोर्ट का अपना डिटेल्स वगैरह फिल करांगे, नंबर पासपोर्ट का, फिर थले अपना नेम फिल करना पूरा, फिर अपनी एज ते जेंडर। फिर ये जरूरी नहीं है तो फ्लाइट नंबर वगैरह फिल करो, वैसे जो करना हो तो कर भी सकते हो, तुहाडी फ्लाइट की डिपार्चर टाइमिंग की है वो भी फिल कर सकते हो। सो थले आ रहा प्रोसीड टू, उन्हें क्लिक कर दो, तुसी पेमेंट वाले पेज ते ओपन हो जाओगे। इतने तुसी अपनी पेमेंट करनी है टिकट की, बस की टिकट की, गूगल पे, नैट बैंकिंग, कार्ड वगैरह सारा यूज कर सकते हो। सो UPI कर दो, UPI का अपना नंबर वगैरह फिल कर दो, सारा UPI ID,
ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੱਸ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 17 ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।